आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 18 अप्रैल से ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। आज श्रावस्ती के इकौना में इसकी शुरुआत हो गई। इकौना सीएससी पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने फीता काट करके मेले का शुभारंभ किया। ये स्वास्थ्य आरोग्य मेला 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा, जो सभी ब्लॉकों पर सीएससी केंद्रों पर लगाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन एवं अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, उनका परीक्षण किया जाएगा और उनको दवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस मेले में ट्रिपल डी यानी डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एंड ड्रग्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ निःशुल्क परामर्श, जाँच एवं दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इकौना सीएससी में आयोजित स्वास्थ्य मेले का लाभ लेने के लिए आज सैकड़ों लोग पहुँचे हैं। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, कोरोना की तीसरी लहर पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद फिर भी सरकार द्वारा एक बार पुनः मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ कर दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है। कोरोना के चलते ये मेला बंद कर दिया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का विश्वास प्राप्त कर एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर संभाली है। प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश में विकास का जिम्मा सौंपा है, वो आम जनता की जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को जन तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले की शुरुआत फिर से कर दी गई है, ताकि गरीबों को निःशुल्क दवाइयां मिल सके, निःशुल्क उनका इलाज किया जा सके। तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीबों को मिल सके। प्रदेश के मुखिया के रूप में एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से पहले की तरह अपने कामों में लग गए हैं। तो इकौना सीएससी का ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर निःशुल्क जांच किया जा रहा है, निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक श्रावस्ती जनपद के अलग अलग इलाकों में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। सीएससी करने में 4-5-7-8 होती होगी, उन पीएससी केंद्रों पर टकरा में भी 2 महीने पहले कार्यक्रम हुआ। सरकार की मंशा है जितने भी लाभार्थी हैं उनसे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बात को रोकते हुए उनको उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए सरकार जो संकल्पित है। और रही बात स्वास्थ्य विभाग में, जिस दिन से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम सम्मानित भाई ब्रजेश पाठक जी ने शपथ लिया है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तो हमेशा चिंतित रहते हैं, हमसे बराबर बात हुआ करती है कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जाए, क्या क्या जरूरत है हमें आप बताते रहिए। निश्चित रूप से माननीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में पूरा स्वास्थ्य विभाग अपने उन ऊंचाइयों पर पहुंचने का गौरव प्राप्त करेगा, इसकी कल्पना माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया। आज इस अवसर पर आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं का, सभी आशाओं का, सभी आंगनबाड़ियों का, सभी चिकित्सकों का और जो महिला डॉक्टर है सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बारी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। विश्वास और सबका प्रयास उसको चरपात करने के लिए हमारे पूर्व योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने हर अपने स्वास्थ्य केंद्र पर मेले के आयोजन के माध्यम से जनता को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य का लाभ मिले, इस कड़ी में जो पहल किया गया है अपने आप में अद्वितीय है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं, खास करके मैं उनको और आशाओं को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा कि दो साल के कोविड काल में जिस तरीके से अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों की दवाई, लोगों को वैक्सीन, लोगों को राशन, सारा कुछ व्यवस्था करने का काम किया है, ये लोग बहुत ही बधाई की बात है। सरकार की मंशा है ये प्रतिदिन महीने में जैसे आज गोवा में, कल गिलोरा में ये स्वास्थ्य मेला लग रहा है, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं,
निःशुल्क में जांच, निःशुल्क में उपचार, निःशुल्क में दवाइयां देने का काम जो सरकार प्राथमिकता पर शिक्षा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य ये सरकार की आशा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपना पूरा योगदान दे सकते।